वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल वी स्टडी नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डफ रिएक्शन विच इज गिवन बाय फिनॉल विच रिएक्ट विद हेक्सा मेथिलीन amine with boric acid in glycerol medium and formation of salicylic aldehyde. What will be the process of this reaction? That is reaction calls Duff reaction. You can see in this reaction also formation of CHO group, formylation reaction. You already see in Raimond-Demand reaction also formation of salicylic aldehyde. So both reaction is mostly similar, but there will be different reagents are used. In this we see previous video chloroform is used, but here we will be used hexamethylene amine and boric acid in the medium of glycerol. There will be formation of this. What will be the process? You can see this reaction take place. What will be the process? Very easy. First of all, phenol react with a CH2 6N4 and S3BO3 in glycerol medium and formation of imine derivative, benzene imine derivative, and on its hydrolysis, that means in the presence of H2O, there will be break of bond of this, addition of oxygen and formation of H2O. There will be remove of also CH3NH2 as a minor product. मेथिल एमाइन का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और मेजर प्रोडक्ट कौन है? देयर विल बी मेजर प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डफ रिएक्शन. कौन सी कहलाएगी? डफ रिएक्शन कहलाती है. नाउ वी नेक्स्ट वी सी द रिएक्शन. अभी तक आपने जो रिएक्शंस देखी स्टूडेंट्स, उसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है. राइमर-टिमान रिएक्शन में आपने शो किया था. डफ रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सीएचओ समूह का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट जो अपन रिएक्शन देखने वाले हैं, उन दिस टाइप रिएक्शंस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन में नेक्स्ट अपनी है, दैट इज कोलबे रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? कोलबे रिएक्शन जो होती है, इसमें फिनोल की रिएक्शन है. वो किस टाइप से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फिनोल जो होता है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं? ये रिएक्शन होती है, ये बेसिक मीडियम में होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, इसमें किसको यूज किया जाता है? CO2 गैस को उपयोग किया जाता है. किसका यूज करते हैं? इसका CO2 गैस का यूज किया जाता है. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको यूज करते हैं. दैट मीन्स इसमें क्या होता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को यूज किया जाता है. हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लगभग 398 केल्विन होता है. ओके, इतना टेम्परेचर इसमें यूज करते हैं. और इसके बेस के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स. ये फॉर्मेशन हो गया आपके पास में OHCOOH कार्बोक्सिलिक समूह का. दैट इज कॉल्ड
सैलिसिलिक एसिड, क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। कोल्बी रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना, दैट विल बी प्रोसेस। अब ये बनता कैसे, क्या प्रोसेस होता है, वेरी स्टेप टू स्टेप आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी टेक, दैट विल बी फिनॉल। क्या है स्टूडेंट्स? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराएंगे? NaOH, फर्स्ट टू यूज NaOH, दैट इज बेस। बेस क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से OH, H2 को रिमूव कर देगा। जैसे H2 ऐसे रिमूव हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सोडियम प्लस आयन बच गया और वहाँ पर ऑप्शन एटम है O माइनस Na प्लस का फॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुका है और बाहर क्या निकल गया स्टूडेंट्स, माइनस H2 निकल चुका है। दैट इज कॉल्स सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहलाएगा ये? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। सोडियम फिनॉक्साइड है ये, आगे रिएक्शन किससे करेगा? CO2 से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करेगा? CO2 से रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2। ये CO2 है, CO2 खोल के लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस वाले पार्ट में अगर देखें तो CO2 जैसे इसको एडिशन करता है तो ये CO2 एडिशन कहाँ पे शो करेगा? देखिए ये वाला पार्ट था, इसमें एडिशन जो करने वाला है वो है तो और तो पोजिशन पे करेगा या पैरा वाली पोजिशन के ऊपर शो करेगा। डैट मीन्स ये वाली जो कंडीशन है, इसमें ये वाला बॉन्ड है यहाँ से वापस ब्रेक हो जाएगा, जैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ये वाला एसिडिक मीडियम में OH और यहाँ पर बन जाएगा अपने पास में C डबल बॉन्ड OONA, ये अपने पास में बन गया ONA। ओके, तो सोडियम यहाँ से हटके किसके साथ जुड़ गया? एसिटेट आयन के साथ में जुड़ जाता है और ये एसिटेट आयन जो होता है ये वाला एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करने के साथ, यानी H2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर OH और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर COH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फिनॉल रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में, किसका फॉर्मेशन करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, ये OH NaOH के यहाँ से एडिशन हो गया। CO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो OH और ये C डबल बॉन्ड Na सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ में सोडियम कार्बोक्सिलेटेड आयन बन जाएगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये वाला यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कौन हो जाएगा H+ आयन जुड़ जाएगा तो इस कार्बोक्सिलिक समूह का फॉर्मेशन हो गया। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? दैट इज कॉल्स कोल्बी रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी? कोल्बी रिएक्शन कहलाती है। ओके, ये कोल्बी रिएक्शन का प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है जो मैंने इसके अंदर स्टडी किया है। ओके, सो मोस्टली बेंजीन रिंग की जो केमिकल रिएक्शंस थी, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं अपन ने देखा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, दूसरा इसमें फिशर रिएजमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो अभी अपन ने पढ़ा है कोल्बे स्मिथ, कोल्बे जो रिएक्शन है वो कोल्बे रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये थी फिनॉल की बेंजीन रिंग की रिएक्शंस। ओके, इन नेक्स्ट वी सी द थर्ड टाइप रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, टुडे इज इतना सफिशियंट, नेक्स्ट यू, थैंक यू।